बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉल बेस अटैचमेंट थ्योरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। मैं इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको वन बाई वन जो है वो पढ़ता भी जाऊँगा और आपके साथ डिस्कस भी करता जाऊँगा। जॉन बॉलबे वॉज अ साइको एनालिस्ट लाइक फ्रॉइड and believed that mental health and behavioral problems could be attributed to early childhood. John Bowlby jo tha basically he was the psychoanalyst. Psychoanalyst mean like Freud. Freud ne jis tarah kaha tha ki bacche ki jo adult personality hoti hai ya jo uska behavior hota hai it depends on early 5 years of the life of the child. yani bacche ke jo pehle 5 saal hote hain उसकी बेस पर उसकी पर्सनालिटी बनती है, उसका अडल्ट बिहेवियर फॉर्मुलेट होता है। तो जॉन बॉलबे भी जो है वो फ्राइडियन स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करता था इन दिस रिस्पेक्ट। उसने भी यही कहा, उसने कहा जो बच्चे के अटैचमेंट होती है बेसिकली वो अर्ली जो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी बेस पे होती है। उसके अलावा बॉलबे जो था वो एवोल्यूशनरी थ्योरी पे भी बिलीव करता था। एवोल्यूशनरी थ्योरी मीन्स के उसने कहा ये जो बेसिकली अटैचमेंट है ये इनेट कैपेसिटी है बच्चे की। इनेट कैपेसिटी मींस कि ये प्री प्रोग्राम्ड होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ उसके अंदर ये अटैचमेंट की एबिलिटीज होती हैं जो प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, जो उसमें प्लान होती हैं, जो फिट इन होती हैं उसमें बाय बर्थ। उसके अंदर जो है वो प्रोग्राम्ड होता है ये सारा सॉफ्टवेयर अटैचमेंट का। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये फॉर्मुलेट होते जाते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर हुआ होता है उसके रिलेशनशिप भी जो लोगों के साथ हैं वो बिल्डअप होते जाते हैं, अटैचमेंट भी उसकी बनती जाती है। बॉलबेज एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ अटैचमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कम इन टू द वर्ल्ड बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम फ्रॉम अटैचमेंट विद अदर्स बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू सर्वाइव। वही बात है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि उसका जो बॉलबे के मुताबिक जो अटैचमेंट है वो बच्चे की बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम्ड होता है, इन बर्थ होता है, उसके अंदर इन बॉर्न होता है। और उसका जो है वो क्यों, क्योंकि उसने कहा कि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। दूसरों के साथ जो अटैचमेंट होती है बच्चे की ये प्री प्लान होता है बाय बर्थ, जेनेटिकली जो उसमें डिस्पोजिशन होती है उसकी। क्यों, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉलबे this is very important and the child's survival depends on it. A child has an innate inborn need to attach to one main attachment figure. ab agla point jo uska tha ki usne kaha ki bacche ke andar jo hai wo inborn capacity hoti hai, uski ek need hoti hai inborn by birth ki usne ek main attachment figure ke sath jo hai wo judna hota hai, wo attachment banani hoti hai usne। जिस तरह हम पैदा होते हैं तो हमारी अटैचमेंट क्या होती है, हमारी माँ के साथ, हमारी मदर के साथ। क्यों, बॉलबे ने कहा कि ये हमारी इनेट नीड है, ये बाय बर्थ ही हमारे अंदर आती है, ये हमारी जरूरत बाय बर्थ ही हमारे साथ आती है, जेनेटिकली हमारे अंदर होती है कि हमने लाजमन एक जो मेन अटैचमेंट फिगर है उसके साथ अटैचमेंट करनी है। दिस इज कॉल्ड मोनोट्रॉपी। मोनोट्रॉपी क्या है बेसिकली, ये वही चीज़ है कि एक बंदे के साथ, स्पेसिफिक एक बंदे के साथ अटैचमेंट। This concept of monotropy suggests that there is one relationship which is more important than all the rest. Yani monotropy basically usko agar hum define kare to wo simple is that uski jo definition hogi wo ye hogi ki mono ka matlab hota hai one, ki one relationship that is very important than others. Acha ji, uske baad kya aa jata hai, Bowlby suggests that there is critical period for development at attachment 2.5 years. If an attachment has not developed during this time period then it may not happen at all. Bowlby later proposed a sensitive period for up to 5 years. usne kaha ki 2.5 saal yani ki 2.5 saal tak almost takriban bacche ke liye bada sensitive period hota hai ki wo uske sath kisi bhi main figures ke sath attachment jo hai wo apni banaye. agar nahi banayega ya uski attachment nahi hogi pehle 2.5 saalon tak to phir uske liye at the end jo hai wo usko attachment banane mein issues hote rahenge, uski personality jo hai wo distinct hogi, isolate hogi, wo akela rehna pasand karega, wo uski
जो है वो बिहेवियर इस तरह का बन जाएगा कि चूंकि उसके पहले 2.5 साल में किसी भी पर्सनैलिटी के साथ अटैचमेंट नहीं हुई, तो वो अगली उम्र में जाके भी अटैचमेंट नहीं करेगा। लेकिन लेटर ऑन जो बॉल्बे था, उसने अपने ये जो सेंसिटिव एज ऑफ द लाइफ जो थी वो 2.5 ईयर जो थी, दैट इंक्रीज्ड अप टू 5 ईयर्स। फिर उसने 5 साल तक उसने मजीद रिसर्चेस की और उसने कहा कि नहीं, ये 2.5 साल नहीं बल्कि जो पहले 5 साल होते हैं, इट्स मच इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अटैचमेंट विद द वन मेन फिगर, या दूसरे लोगों के साथ भी जो उसकी अटैचमेंट है, वो 5 साल तक बहुत क्रूशल पीरियड है, बड़ा क्रिटिकल पीरियड है, बड़ा सेंसिटिव पीरियड है कि वो पहले 5 साल में अटैचमेंट्स बनाए। अगर नहीं बना पाएगा तो वो लेटर ऑन भी अटैचमेंट सही तरह से नहीं बना पाएगा। उसके इंटीमेट रिलेशनशिप में भी इशूज होगा, उसकी फ्रेंडशिप में भी इशू होगा, उसके कुलीग्स के साथ भी अटैचमेंट नहीं होगी, उसके अपने जो है वो रिलेटिव जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी अटैचमेंट में मसला आएगा। Bowlby's maternal deprivation hypothesis suggests that continual disruption of the attachment between the infant and the primary caregiver could result in long-term cognitive, social, emotional difficulties in that infant. अच्छा, Bowlby ने ये कहा कि उसने के जो hypothesis था maternal deprivation hypothesis, उसने एक hypothesis दिया जिसको हम कहते हैं maternal, ये मैं highlight भी कर देता हूँ, it's maternal deprivation hypothesis। उसने कहा लंबे अरसे तक अगर बच्चे infant और उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है, यानी कि माँ बेसिकली प्राइमरी केयर गिवर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर इन दोनों के दरमियान में कंटिन्यूअल डिसरप्शन हो, यानी कि दोनों के दरमियान में नहीं अटैचमेंट बन पा रही हो, तो इन लेटर ऑन बच्चे में जो है वो कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डिफिकल्टीज आ जाएंगी। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसमें कॉग्निटिव डेफिसिट्स भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, सोशल भी होंगे, अगर बच्चे की जो प्राइमरी जो शुरू में जो उसकी अपनी वालदा के साथ या किसी और प्राइमरी केयर गिवर के साथ उसकी अगर अटैचमेंट नहीं हो पाती, तो बच्चे की लेटर ऑन जो पर्सनैलिटी है उसमें कॉग्निटिव डेफिसिट्स भी होंगे, मसले मसाइल होंगे कॉग्निटिव डोमेन में भी, इमोशनल डोमेन में भी और सोशल डोमेन में भी। Bowlby डिफाइंड अटैचमेंट एज ए लास्टिंग साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस बिटवीन ह्यूमन बींग। Bowlby ने जो डेफिनेशन की अटैचमेंट की, उसने कहा कि ये एक लंबे अरसे तक चलने वाला साइकोलॉजिकल रिश्ता है बिटवीन ह्यूमन बींग, इंसानों के दरमियान में। अ मोर नेचुरलिस्टिक स्टडी ऑन ह्यूमन चिल्ड्रन वॉज डन बाई जॉन Bowlby ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द 1940s, 1940 के दूसरे हाफ में, यानी कि उसने आखिरी हाफ में उसने जो मेन जो नेचुरलिस्टिक स्टडी की बच्चों पर, उसकी बेस पर उसने अपनी थ्योरी बनाई। Bowlby studied children who were brought up in institutions such as foster homes and the orphanage. In these institutions, they were physically well cared, but for often lacked intimate bodily contact. Such children tend to be timid and asocial. उसके जो basically sample था, जो population थी, उसने foster homes में से बच्चे लिए और यतीम खानों में से बच्चे लिए और उन पे जो है वो उसने स्टडी की। उसने कहा कि ये बच्चों को फिजिकल केयर तो मिलती है बट इंटीमेट केयर नहीं मिलती। इंटीमेट जो बॉडी कांटेक्ट होता है, जिस तरह माँ है वो अपने बच्चे को हर वक्त सीने से उठा के लगा के रखती है, तो वो नहीं उनको बेसिकली मिलती, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एसोशल होते हैं। Bowlby आइडेंटिफाइड सेवरल फेजेस अटैचमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, Bowlby ने बहुत सारी जो फेजेज हैं वो अटैचमेंट की बताई हैं। पहली फेज क्या है, दिस फेज लास्ट फॉर सेवरल वीक्स। In this phase, the infant reacts identically to every adult and smiling faces. ठीक है जी, बच्चा जो है basically पहले कुछ हफ्तों तक तो बच्चे के लिए सारे लोग बराबर होते हैं, बच्चा सबको एक equally treat करता है, उसके लिए कोई ज़्यादा attachment नहीं होती, किसी से कम attachment नहीं होती, सबके साथ ही वो हंस के मिलता है, सबको जो हंसने वाले हैं सबके साथ ही बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। Phase two, by about 3 months of the age, अब 3 महीने में बच्चा पहुँच गया। The second phase of attachment is reached in which the infant discriminates between familiar and unfamiliar faces. अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चा जो है वो फेमिलियर और अनफेमिलियर जो फेसेस हैं उनके दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देता है by the age of 3 months. Only at 6 months do we see the infant seeking out and responding specifically to the mother. लेकिन जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो स्पेशली माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। 3 महीने का बच्चा जो होता है वो फेमिलियर और नॉन फेमिलियर जो फेसेस, यानी कि जो घर के अफराद होते हैं वो उनके दरमियान में, और जो बाहर से स्ट्रेंजर्स आते हैं कभी कभार मिलने के लिए या रिश्तेदार, वो उनके दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो सॉरी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर लेता है। आगे कहती है फेज 3, फ्रॉम 9 to 12 months द बॉन्डिंग इंटेंसीफाइज एंड द चाइल्ड बिगिन एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंजर एक्टिविटी, अ फियर ऑफ द स्ट्रेंजर।
ठीक है, 9 से 12 महीने का जब टाइम आता है तो बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी को फील करता है, अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो बच्चा उससे फियर फील करता है। फेज 4 इन दिस सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे की जो है अटैचमेंट की फेज 4 भी स्टार्ट हो चुकी है। द चाइल्ड रिएक्ट्स टू द मदर्स एब्सेंस विद स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। बॉलबे रेफर टू दिस बिहेवियर एज सेपरेशन एंजाइटी। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जब 2 साल का होता है तो अगर उसकी माँ या उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो कहीं दूर चला जाता है, अटैचमेंट उसकी नहीं रहती है, नहीं रहने से बुरा दी है कि वो उसके पास नहीं रहता है या कहीं उसको छोड़ के चला जाता है, तो बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग फियर फील करता है, प्रोटेस्ट करता है, वो रोता है, चीखता है। आपने देखा होगा ना कि बच्चे अक्सर जब माँ दूर जाने लगती है, बाजार जाने लगती है या कहीं अपनी जॉब पर जाने लगती है तो बच्चे रोते, चीखते, चिल्लाते, जमीन पर लेटते, टांगे मारते। तो दिस इज बेसिकली the method of protest by the children, कि वो जो protest है वो करते हैं। और इस चीज को उसने separation बॉलबे ने कहा कि this is separation anxiety, वो जो fear feel करते हैं, जो protest करते हैं, this is called separation anxiety। And now phase 5, in the third year of the life, the child is able to separate from the mother without prolonged distress। अब यहाँ पे क्या होता है, पांचवी फेज में जाके फिर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि माँ अगर चली भी जाती है कहीं काम के लिए, कहीं बाजार जाती है बच्चे को छोड़ के कुछ टाइम के लिए, तो बच्चा जो है वो ज्यादा देर जो है वो डिस्ट्रेस फील नहीं करता, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने खिलौनों में मगन रहता है, वो अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो जो है वो मगन हो जाता है। तो यहाँ पर आके बच्चे का वो जो डिस्ट्रेस है, जो सेपरेशन एंजाइटी है, वो नहीं ज्यादा देर तक चलती। दिस इज कॉल्ड, ये जो थी ये बॉलबेज अटैचमेंट थ्योरी थी। तो सिंपल मैंने आपको एक एक करके जो सारे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं कि बॉलबे ने कहा था कि बेसिकली इनेट होती है नीड्स, अटैचमेंट की जो नीड होती है वो बच्चे के अंदर इनेट होती है। उसमें सबसे पहले बच्चे की जो बाय बर्थ नीड होती है वो होती है एक फर्द के साथ ताल्लुकात बनाना, अटैचमेंट बनाना, जिसको मोनोट्रॉपी कहते हैं। उसके अलावा बच्चे ने जो बॉलबे ने मैटरनल डेप्रिवेशन हाइपोथेसिस दिया, उसने कहा कि अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक माँ और बच्चे के दरमियान में या प्राइमरी केयर गिवर और बच्चे के दरमियान में जो दूरियाँ पैदा हो जाएं, एक दूसरे से दूर रहें, वो अटैचमेंट उनकी ज़्यादा ना हो या फासले रहें, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल बहुत सारे जो है वो डिफरेंसेज, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसके अलावा बच्चे जो बॉलबे ने वो डिफाइन की है अटैचमेंट को, उसने कहा इट्स अ लास्टिंग साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग, के ये जो है लंबे अरसे तक चलने वाला जो है वो अटैचमेंट कनेक्टेडनेस है ह्यूमन बीइंग के दरमियान में एक ताल्लुक है, इट्स कॉल्ड अटैचमेंट। उसके अलावा बॉलबे ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों पे, ऑर्फन होम जो था वहाँ से लेके डिफरेंट फेजेस बताई कि पहले जो बच्चा है वो सब उसके लिए तमाम जो फेसेस हैं वो सिमिलर हैं, अटैचमेंट नहीं होती। उसके बाद 3 मंथ के दरमियान में बच्चा जो है वो फेमिलियर और अनफेमिलियर फेसेस के दरमियान में वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है। 6 माह की उम्र में बच्चा जो है वो अपनी माँ की तरफ खास तौर पर रिस्पॉन्ड करता है। 9 से 12 माह के दरमियान में बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो फील करता है। और उसके अलावा चौथी फेज में जो बच्चा है वो प्रोटेस्ट करता है अगर माँ उसको छोड़ के कहीं दूर जाती है तो, बॉलबे नहीं इससे सेपरेशन एंजाइटी का है। और 5वीं फेज में जो है वो बच्चा अपनी माँ के बगैर ज्यादा देर तक रहना सीख लेता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट बॉलबेज अटैचमेंट थ्योरी। तो होपफुली आप समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझी कोई पॉइंट आपका रह गया समझने वाला तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।